नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपडेट लेकर आया हूँ वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से। दोस्तों वीओएमयू कोटा की जो मार्कशीट है, आपका रिजल्ट आ चुका है। जो जून सेशन के जिनके भी एग्जाम्स हुए थे तो उनके रिजल्ट दोस्तों आ चुके हैं। अब रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों, कईयों के कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे कि सर हमारी मार्कशीट कब आएगी, हमें कहाँ से मिलेगी, हमें रीजनल सेंटर से लेना है या यूनिवर्सिटी से, क्या है इसकी क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे इशूज़ जो हैं वीओएमयू मार्कशीट रिलेटेड वो सारे इशू क्लियर करूँगा, प्लस जो मार्कशीट में जो जो शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं उनके बारे में भी टोटली इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चले दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आपको मेरे चैनल बताना चाहता हूं, वीओएमयू कोटा के मेरे चैनल पर जो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करें। वहां पर वीओएमयू कोटा रिलेटेड सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो उन वीडियो को देखें और आप लाभ लें और अच्छे से डिग्री कोर्स अपना कंप्लीट करें। और सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहां से आप जरूर वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक में वो बताने वाला हूं मैं, वीओएमयू मार्कशीट हमें कहां मिलेगी और वीओएमयू की मार्कशीट दोस्तों इस तरह की आती है। देखो मेरे खुद की मार्कशीट है वो आ चुकी है और मार्कशीट के बारे में मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एक डेमो मार्कशीट भी है जो मेरी मार्कशीट अभी जस्ट पहुंची है वीओएमयू कोटा से, और अब मेरे खुद की जो स्टूडेंट बंधु की आईडी है वो अपन लॉगिन करते हैं और फिर वहाँ से आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है। दोस्तों आपका जून सेशन में रिजल्ट आया, आप vome.ac.in वेबसाइट पे आ जाना है, उसके बाद अपने को सीधा जाना है स्टूडेंट बंधु में। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक दो बातें मैं बता देना चाहता हूं आपको। जैसे आपका जून सेशन में रिजल्ट आया और अगर आपकी सारी सब्जेक्ट क्लियर है, दोस्तों ये बात समझ लीजिए, आपके एक सब्जेक्ट में बैक है तो आपको मार्कशीट नहीं भेजी जाएगी। आपकी सारी सब्जेक्ट क्लियर है तो फिर आपको वो मार्कशीट भेजी जाएगी, और फिर वो मार्कशीट का स्टेटस आप कहाँ से चेक कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो, स्टूडेंट बनवी में जाके आप सीधा चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं एक और सूचना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दूँ, मान लो आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने देख लिया ऑनलाइन मार्कशीट आ चुकी और आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर है, और वहाँ से मार्कशीट भेजने में कम से कम 2 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकता है घर पर आने में मार्कशीट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, और आपको इमरजेंसी मार्कशीट की जरूरत है तो हाउ टू गेट अ वीओएमयू मार्कशीट करके भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हो आप। यूनिवर्सिटी में जाके भी सीधे हैंड टू हैंड भी मार्कशीट ले सकते हो, और अगर आप बाई पोस्ट भी करना चाहते हो तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, तो उसमें आपका कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इससे आपको मिल जाएगी। तो चले दोस्तों यहाँ पे आपको इतना स्कॉलर नंबर है वो एंटर करना है, और बीच में जो डैश है वो डैश आपको कंपलसरी लगाना है, डेट ऑफ बर्थ करके फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं दोस्तों अपना जैसे ही आप अपना स्कॉलर नंबर सबमिट करेंगे उसके बाद आपकी जो ऊपर है वो पर्सनल डिटेल आ जाएगी, नाम डेट्स सेंटर वगैरह की, उसके बाद आपको फिर सीधे नीचे ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे तो आपने जो एडमिशन लिया है वो रहेगा आपकी, तो जैसे मैंने बीएड सेकेंडरी में एडमिशन ले लिया तो वो डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम डिटेल्स का जो ऑप्शन दे रखा है ये वाला आपको दिख रहा होगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैं जैसे एग्जाम डिटेल पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही आप एग्जाम डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी मार्कशीट ओपन होकर आ जाएगी। ये मेरी मार्कशीट है और इसमें ये देखिए टोटल मेरे ये जो 541 नंबर आए हैं, और उसके बाद अब मार्कशीट का जो स्टेटस देखना है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्कशीट डिस्पैच डिटेल। तो मेरे को ये हमारी मार्कशीट जो है जो मुझे मिली है जो सीरियल नंबर की मार्कशीट है, और ये मार्कशीट 2 दिसंबर को वहाँ कोटा यूनिवर्सिटी से निकली थी, तो मेरे पास लगभग ये 15 दिसंबर तक मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन टाइम नहीं मिलने से वीडियो नहीं बनाया और उसकी मुझे रिक्रूटमेंट भी नहीं लगी थी, लेकिन अब काफ़ी। और यहाँ पर देखिए आप प्रोजेक्ट जो भेजते हो आप ज्योग्राफी वगैरह में उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाती है, तो मार्कशीट की डिस्पैच डिटेल यहाँ से आपको चेक कर लेनी। और आपको जैसे यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है रजिस्ट्री नंबर, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक आपके जो पोस्ट विभाग की वेबसाइट है उस पर चला जाएगा, और वहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखा रहेगा कि आपकी मार्कशीट कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक आ चुकी है। जैसे ये जो भी है ये देखिए दोस्तों मेरी मार्कशीट जैसे उदयपुर से आ गई, फिर आगे मेरे एड्रेस तक ये कम्प्लीटली पहुँच चुकी है, यहाँ पर ये बता रहा है। तो दोस्तों ये काम आपको कर लेना, मार्कशीट डिस्पैच देख लिया, उसके बाद आपके हाथ में मार्कशीट आ गई, उसके बाद में भी कुछ क्यूरीज रहती है, मुझे अधिकतर कमेंट देखने को मिलता है सर हमारे SC का क्या मतलब है। तो दोस्तों मार्कशीट में क्लियरफुली लिखा है, SC का मतलब होता है सक्सेसफुली कंप्लीट, NC का मतलब है नॉट कंप्लीटेड, AB का मतलब है एबसेंट, PR का मतलब है प्रैक्टिकल इंटरनल असाइनमेंट, ग्रेस बाई ग्रेस, अगर आपका G लगा हुआ है तो बाई ग्रेस क्लियर हुए हैं, और आपके जो मार्क्स हैं उनके ऊपर स्टार लगा हुआ है मतलब आप जून 2019 के एग्जाम में अपेयरिंग हुए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 77% बनी जैसे मेरे, और मार्कशीट का पूरा प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पे आपके कोर्स कोड और आपके सब्जेक्ट का नाम लेगा, यहाँ पे आपके थ्योरी के पेपर रहेंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिकल और इंटरनल असाइनमेंट जो भी है आपके टोटली वो नंबर शो हो जाएंगे, उसके बाद टोटल आपको यहाँ लग जाएगा, टोटल SC होंगे तो ही आपको मार्कशीट सेंड करेंगे वहाँ से यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये टोटली मार्कशीट तभी मिल पाएगी। तो इस तरीके से आप मार्कशीट को जो है ट्रैक कर सकते हैं, और इसके बारे में कुछ क्यूरीज है जरूर आप कमेंट करें, मैं जरूर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो मैं दोस्तों अब आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीओएमयू कोटा के रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, असाइनमेंट से लगाकर एग्जाम पेपर की तैयारी कैसे करें सारी चीजें इंफॉर्मेशन, और जो भी कोटा की अपडेट होती है मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए इसी प्रकार की अपडेट के लिए। तो मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।